हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा PIR यानी कि पैसिव इंफ्रारेड क्या होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। देखिए, ये एक ऐसा सेंसर होता है जो कि ह्यूमन को सेंस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को प्रोवाइड कर देता है। अब हम इसको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक इंसान है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। ऊपर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ हीट, यानी कि ये एक हीट का सोर्स है। ये अपने अंदर से क्या निकालता है, इंफ्रारेड निकालता है, जो कि सेंसर के ऊपर जाती है। जब सेंसर के ऊपर इंफ्रारेड जाती है तो ये उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद में ये अपना आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। हम इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ आप बल्ब देख रहे होंगे, जैसे ही आप किसी भी रूम में गए, रूम में जाने के बाद में इसने ह्यूमन को सेंस किया, उसके बाद ही आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। देखिए, इस डायग्राम में आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ये हमारा PIR सेंसर है, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और आउटपुट, तीन टर्मिनल का हमारा ये PIR सेंसर होता है। हमने इसको यहाँ पे 12 वोल्ट्स की बैटरी से ऑपरेट किया हुआ है और इधर की साइड पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। जब हम यहाँ पे आउटपुट दे देते हैं और कोई भी इंसान जाता है यहाँ पे PIR सेंसर के पास, तो वो अपने अंदर से इंफ्रारेड को निकालता है और फिर इसको ये सेंस कर लेता है। सेंसर जब सेंस करता है तो हमने यहाँ पे एक LED का यूज़ किया हुआ है, तो ये अपने जो आउटपुट पिन है इस पे अपना आउटपुट दे देता है, जिससे कि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है और जो हमने यहाँ पे LED का यूज़ किया है वो ग्लो होने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे रूम में एक LED रहे और जैसे ही हम अंदर जाए रूम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, और जैसे ही हम बाहर चले जाए वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो आप बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट वहाँ पे बना सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप आपको यहाँ पे PIR सेंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे।